नमस्कार, इस वक्त हम सहरसा जिले के सत्तर कटरिया प्रखंड में हैं और हमारे साथ हैं सत्तर कटरिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव जी, जो और यहाँ के औकाही पंचायत के मुखिया भी हैं। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अरुण जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे भी बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हम पंचायत के विकास पर बात करेंगे। नल जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, आपके पंचायत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति के बारे में यदि हमसे पूछा जाए तो बिल्कुल ही ये योजना फेल्योर है। सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना बिल्कुल ही धरातल पर किसी काम का नहीं है। जनता के द्वारा त्राहिमाम किया जा रहा है कि सरकार का इतना पैसा लगने के बावजूद भी जिस उद्देश्य से ये पैसा खर्च किया गया था सरकार का, वो धरातल पर उसके अनुरूप कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, अगर आपके पंचायत में इस तरह की समस्याएं हैं तो बहुत बड़ी एक विडंबना है। और तो इसके बारे में हमारे ये प्रशासन के लोग ये जो है सो हम लोगों का कोई सुनते ही नहीं है। कई बार मैंने इंजीनियर को फोन लगा के इस तरह की शिकायत, अधिकारी को जब आप बोलते हैं तो अधिकारी की तरफ से क्या कुछ मतलब कि रिप्लाई आता है? अधिकारी की तरफ से ये कहा जाता है कि ठीक है, काम हो जाएगा दो दिन में। कब से इस तरह की समस्याएं और कब से इस तरह का टलम टोल किया जा रहा है? लगभग मोर देन 1 ईयर, 1 साल से आपको इस तरह से सड़काया जा रहा है, लेकिन पंचायत में जो जनता को सुविधा होनी चाहिए नल जल का, वो सुविधा नहीं हो पा रहा। नहीं, कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं मतलब शासन की गलती है। जी बिल्कुल ये शासन की गलती है और अफसरशाही हावी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री आवास की योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो भी चल रहा हो इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक लगभग 2 साल होने को चला है, प्रधानमंत्री आवास योजना एक भी नहीं आया है। और उसके लिए कई बार हम लोगों ने मांग भी रखा है, लेकिन आवंटन आएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। उसमें कुछ कर रहे होंगे ना, जिस तरह से जनता आपको चुन करके लाई है, तो क्या आश्वासन आप जनता के बीच में देते हैं? जनता के बीच जो सीमित संसाधन है उस संसाधन से अपने पंचायत वासियों को विकास में जहाँ तक हो पड़ता संभव है करने का मैं प्रयास करता हूँ। और इंदिरा आवास के बारे में जब कभी भी जनता हमसे पूछती है तो मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन अभी तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक पंचायतों में किसी में 2 का आवंटन, किसी में 3 का आवंटन, और जैसे मेरे में भी 3 का आवंटन था, पिछले साल का कुछ डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ था जिसको मैंने 2 आवंटन वहां से लाके 5 आवंटन का पूरा किया है। और उसमें ऐसे लोगों को मैंने दिया है जो झुग्गी झोपड़ी में रह के अपना जीविकोपार्जन करते थे। राशन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, इस पर क्या आपकी मतलब की? राशन कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अभी तक 80% राशन कार्ड ही बन पाया है मेरे पंचायत में और 20% अभी भी बाकी है। और प्रखंड में जो हाल है, बिना बिचौलिया के द्वारा बिना पैसा रिश्वत लिए हुए राशन कार्ड बनता नहीं। प्रखंड में इस तरह की समस्या है? हाँ, मेरे प्रखंड में इस तरह की समस्या। इसको रोकने के लिए आप क्या मुहिम कर रहे हैं? इसके लिए कई बार हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला स्तर तक शिकायत भी किया, जिस पर कोई भी अमल अभी तक नहीं हुआ। शिक्षा को लेकर के मतलब क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालयों में जो इतने भी शिक्षक आते हैं, मतलब पढ़ाते हैं सही से? वो शिक्षक की क्वालिटी पर हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ के नाम पर ऐसे ऐसे शिक्षक को भी बहाल करके भेज दिए हैं जिनके पास योग्यता नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जब से के पाठक शिक्षा सचिव ज्वाइन किए हैं, शिक्षक तो समय पर आने लगे, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है। क्या किस तरह से क्या होना चाहिए, कुछ सरकार को आप बता सकते हैं? सरकार जो अभी BPSC के थ्रू शिक्षक की बहाली करने जा रही है, जिसका मैं समर्थन करता हूं, और आने वाले दिनों में जो शिक्षक हमारे बहाल होकर के पूर्व से कार्यरत हैं उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको खास करके स्कूल लेवल पर मॉनिटरिंग करके शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार। 3 साल का कार्यकाल आपका बचा हुआ है, इस 3 सालों में क्या कुछ होना चाहिए पंचायत में? हम चाहते हैं कि शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार होना चाहिए वो हो। सरकार जो हम लोगों को जिस उम्मीद से जनता ने यहाँ भेजा है
उसके अनुरूप सरकार का उस हिसाब से फंड आ नहीं पाता है, जिसके चलते हम जनता के अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। फिर भी सीमित संसाधन में जितना हो सकता है जनता की सेवा में तत्पर रहता हूँ। आप लोगों का हड़ताल चल रहा है, पूरे बिहार में मुखिया संघ का हड़ताल चल रहा है, क्या लग रहा है कल इसका मेन क्या आप कहेंगे इस पे? जो हम लोगों का हड़ताल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस देश में बहुत ही दुखद बात मैं कहने जा रहा हूं कि एक मजदूर का मजदूरी 400 से 450 रुपया रोज है, और मुखिया जी सुबह से लेकर रात तक सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में, गांधी जी के सपना को साकार करने में लगे रहते हैं, और उनको प्रतिदिन के हिसाब से 75 रुपया मिलता है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। कई हमारे जनप्रतिनिधि इस दुनिया से चले गए, ना तो उसका इंश्योरेंस है, ना तो कोई सुरक्षा गार्ड है, ना आर्म्स का लाइसेंस दिया जा रहा है, हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। फिर भी अपने कार्य क्षमता के हिसाब से सरकारी योजनाओं को गांधी जी के सपना को साकार करने में लगा रहता हूँ, और इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन सरकार हमारे अधिकार में कटौती कर रही है, हमारे सुरक्षा के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इसी के विरोध में हम लोगों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा है। मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते आप क्या सरकार को कहना चाहते हैं? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं उसके लिए आप अनुबंध के आधार पर जिस परिवार से मुखिया जी चले जाते हैं उसी के परिवार को 5 साल तक मुखिया का पद दे दिया जाए, तो हमारे जो मुखियाओं की हत्या हो रही है उसमें कमी आएगी। इतना ही नहीं, हमारे सुरक्षा के लिए यदि आप लाइसेंस दे देते हैं तो हम लाइसेंस के आर्म्स के माध्यम से अपनी सुरक्षा अपना भी कर सकते हैं, तो ये भी तो आप कर दीजिए। सो भी सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पूर्व के पंचायती राज मंत्रियों ने इसके लिए घोषणा किया था। कहीं मिला जुला के आप लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि मुखिया सुरक्षित है, आप उसे सुरक्षा मुहैया करवाएं। हाँ हाँ, सुरक्षा मुहैया कराएं, और सम्मानजनक भत्ता भी, उसकी भी मांग हम लोगों ने रखा है, और हमारे अधिकार में जो कटौती हो रहा है उसको बंद किया जाए। 73वें संविधान संशोधन को 29 जो अधिकार मुखियाओं को दिया गया है वो पूर्ण रूप से उसका अधिकार मुखिया के जिम्मे हो, उसमें कहीं कोई अफसरशाही हावी नहीं हो, अफसरशाही से मुक्त ये पंचायती राज व्यवस्था हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं। चलिए, ये थे अरुण यादव जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और औकाही पंचायत के मुखिया हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को खास तौर पर बताया है जो कि आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन रिंटू के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।